सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस हैप्पी न्यू ईयर विश के साथ आज शुरू कर रहा हूँ एक नया सफ़र, नया ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और सुबह सुबह निकल पड़े हैं नए सफ़र के लिए। तो आगे देखते रहिए और बने रहिए। एक्चुअल में क्या है वो आपको वीडियो में बताएंगे। उसकी चलते वर्ल्ड वॉर टू के टाइम मरियाना आइलैंड पे एयरफील्ड तैयार करने से पहले मार्किन विमान सेना ने 462D नाम से एक बॉम्ब बरसनकारी ग्रुप के आयोजित किया था। ये ग्रुप उस लिए तैयार की गई थी ताकि ये लोग युद्ध के दौरान हवाई जहाज से जगह जगह पे बॉम्ब बरसा सके। वैसे ही और इसी टाइम ये जो पियरडोबा एयरपोर्ट है मार्किन सेना ने बनाया था और ये इंडिया में बनाए गए 4 B-29 बेस में से एक था। पहले ये जो पियरडोबा एयरपोर्ट है ये कहा जाता है कि B-24 लिबरेटर विमान को यूज करने के लिए बनाए गए थे, बट बाद में इसको B-29 सुपर फोर्ट्रेस बेस के तौर पे यूज किया गया था। और इसी बेस एयरफील्ड को 462D बॉम्बार्डियर ग्रुप के मेन हाउस के तौर पे माना जाता था। जब 462D 1944 में 7 अप्रैल को B-29 ट्रांजिशन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इस बेस के लिए निकले थे तो उनको 3 हफ्ता लग गया था पहुंचने के लिए। और इसी टाइम ये जो विमान है ये फ्लोरिडा, नाटाल, ब्राजील, साउथ अंटार्कटिका, वेस्ट अफ्रीका और मोरक्को पे मिलने के बाद फिर कराची, फिर डोबरा पहुंचे। ये विमान कहा जाता है इंडिया में पहुंचने से पहले इंजन पे आग लगने के कारण इसको ग्राउंडेड कर दिया था। बाद में इस विमान को, ये B-29 जो विमान है इसको अपग्रेड कर दिया गया था ताकि इंडिया के जो स्थल एरिया है इसमें 115 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर झेल सके। और 462 ग्रुप 1944 में 5 जून को फर्स्ट टाइम ये युद्ध के लिए तैयार किया गया था अपग्रेडेशन के बाद, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करने वाले थे वो भी जापान के हमले के दौरान। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा एक्चुअली ये रनवे है। ये 1943 में
ब्रिटिश ने ये रनवे बनाया था जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, उस टाइम इन्होंने बनाया था। बट उसके बाद इन्होंने 26 सितंबर को 1945 में इसको फिर बंद करवा दिया। इसको एक्चुअली बिष्णुपुर एयरड्रोम बोला जाता है। और या तो इस वजह से क्या है कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया अबंडेंट पड़ा हुआ है, मतलब बेकार ही पड़ा हुआ है। अब ये मान के चलो बस चारों तरफ ये पेड़ पौधे, बस ये अभी क्या हो गया कि एक पिकनिक स्पॉट बन के पड़ा हुआ है। अब चारों तरफ बहुत बड़ा एरिया है। अभी थोड़ा बहुत घूम के आप लोगों को दिखा दूँगा और शायद वीडियो में आप लोग देख ही पाओगे। बट ये है कि फैमिली के लिए भी अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट है। और दोपहर के टाइम में मतलब नॉर्मली अगर आप अकेले आओगे तो एकदम होता है ना सन्नाटा वाला एरिया है। बट अभी पिकनिक का टाइम है, बहुत लोग आए हुए, विजिटर्स आ रखे हैं, तो सारे पिकनिक के लिए। तो अभी जो एयरपोर्ट था वो एयरपोर्ट अभी एक पिकनिक स्पॉट बन के ही रह गया। तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप फैमिली के साथ आ सकते हो विजिट करने के लिए, पिकनिक के लिए भी आ सकते हो।